और इधर रोहतास जिला के डेहरी शहर के जुआ समाज सेवी सहवेद कल्याण फाउंडेशन के निर्देशक समीर कुमार ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर डेहरी व अकुड़ी गोला समेत विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क मास्क का वितरण किया। समीर ने बताया कि जिस प्रकार लोगों में कोरोना को लेकर दहशत है, वैसे में जागरूकता अभियान ही एकमात्र विकल्प है जिससे कि लोग सुरक्षित रह सकते हैं। समीर ने लोगों से अपील किया कि सतर्कता कोई कायरता नहीं है, स्वयं को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के सचिव सैफुल हक, उपाध्यक्ष कुंदन खान, सह निर्देशक राज पटेल उर्फ बंटी, नित्यानंद कुमार, दिलीप यादव, शेरू यादव, नंद यादव एवं तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समीर ने बताया कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ शहर ही नहीं जिला का गौरव वेद कल्याण फाउंडेशन परिवार के सदस्य भी अलग अलग तरीके से लोगों में कोरोना के डर नहीं और लड़े जैसे जागरूकता अभियान चला रही है और कोरोना से बचाव हेतु कई सारी जानकारियां भी लोगों को जागरूकता के माध्यम से दे रही है। संस्था ने यह निर्णय लिया है कि जिन लोगों को बाजारों में मास्क नहीं मिल रहा हो उन्हें संस्था द्वारा निःशुल्क मास्क लगातार दिया जाएगा तथा वेद कल्याण फाउंडेशन परिवार की 5-5 सदस्यों की अलग अलग टोली शहर से गांव तक लोगों के बीच जाकर कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान फैलाएगी। क्या नाम है आपका, आप किस पद पे हैं? मेरा नाम समीर कुमार है और वर्तमान निर्देशक हूँ वेद कल्याण फाउंडेशन का। आपके द्वारा डेहरी में मास्क का वितरण किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? न केवल डेहरी में, संपूर्ण डेहरी विधानसभा क्षेत्र आप कह सकते हैं क्योंकि मैंने शुरुआत अपने डेहरी शहर से की है। अभी अकुड़ी गोला में कर रहा हूँ। कल चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों अनुसार जनता कर्फ्यू के माध्यम से पूरे भारत भर में बंदी का आह्वान किया गया है, तो कल ये कार्यक्रम स्थगित करके देखकर टुमारो से ये कार्यक्रम हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में करेंगे और ये मेरा जो मुहिम है वो जनता को इस बड़ी बीमारी से बचाना है और प्रदूषण जो फैलती है जिस कारणवश लोग के नाक के माध्यम से हवा में जो बैक्टीरिया हैं जो घुसती हैं मुँह के अंदर उससे रोकना है, उसमें प्राथमिकता जरूरी है। इसलिए मास्क का वितरण लगातार जारी है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। मास्क वितरण में किन लोगों का सहयोग आपको मिला? सबसे पहले तो वेद कल्याण फाउंडेशन परिवार जो मेरा है उसमें सबसे अधिक उसको किसी ने सहयोग किया है तो वेद कल्याण फाउंडेशन के सचिव हमारे बड़े भाई दिल्ली सैफुल हक ने, निदेशक राज पटेल जी ने, उपाध्यक्ष कुंदन खान जी ने, इन्होंने अपने सहयोग से मुझे इतना मजबूती प्रदान की ताकि मैं डेहरी शहर के अंदर बांट पाया। उसके बाद जब मेरा अकुड़ी गोला आना हुआ, मैंने प्रोग्राम आयोजित की तो मुझको यहाँ पर सबसे अधिक सहयोग किया है युवा साथी दिलीप यादव जी ने, भाई विकास यादव जी ने, अमरिंद्र यादव जी ने, भाई बिट्टू ने और उपस्थित सभी गोला के क्षेत्र के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से भारी भीड़ का बचाव करते हुए कतारबद्ध होकर मास्क पहनने का कबूल किया और सतर्क और सजग रहने की बात की। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहिए? यकीन अपील है समस्त डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि सजग रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जिस प्रकार इस बीमारी को पूरे देश नहीं पूरे विश्व स्तर के लोग बड़े ही संजीदगी के साथ बड़े सीरियस तरीके से ले रहे हैं, इसमें ज़रूरत है हमें आपको सतर्क रहने की। हल्के मिलने की ज़रूरत नहीं है। आपके जरा सा लापरवाही के चलते कोई बड़ी बीमारी फैल सकती है जिससे आपका जीवन तो बर्बाद होगा ही, आसपास के लोगों का जीवन भी बर्बाद होगा। तो मेरा यही संदेश है कि प्रत्येक दिन अपने हाथों को धोएं, बिना जरूरत के अगर संभव अगर लगे तो नाक और आँख को छूने से बचें और स्वच्छ रहें, आसपास जो है स्वच्छ रखें, हमेशा सतर्क रहें, स्वस्थ रहें।